नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली एक न्यूज हमारे सामने आई है और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 92 मेंबर्स को पार्लियामेंट के एक साथ सस्पेंड किया गया है। ये कहा जा रहा है कि पूरे इतिहास में पिछले से आप देखोगे जब से भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई है तब से सबसे बड़ा नंबर है जब इतने सारे एमपीज को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया है। और ये जो न्यूज आई है ये आज की ही न्यूज है, दैट मीन्स 19 दिसंबर की ये न्यूज है जो मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से एमपीज को सस्पेंड किया जाता है, कौन सी कमिटी इसमें जांच करती है, क्या पावर्स हैं स्पीकर की जब सस्पेंशन का मामला आता है तो, और जो रीजन है क्यों इन एमपीज को एक साथ सस्पेंड किया गया है वो भी आज इस वीडियो में हम देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो देयर इज अ बिग अनाउंसमेंट फ्रॉम द आईएसएफ टीम, और हमने अपना अभी अचीवर्स बैच लॉन्च किया है। इस अचीवर्स बैच में ऑल ओवर इंडिया से 100 बच्चों को एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर सेलेक्ट किया जाएगा और ये अचीवर्स बैच पूरा एमके यादव सर के गाइडेंस के अंदर में चलेगा और इन बच्चों पर स्पेशल मेहनत की जाएगी पूरी आईएसएफ की टीम द्वारा। इस अचीवर्स बैच में आपको 60% तक का स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। ये अचीवर्स बैच 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, सो आई होप जो भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर जाकर के फॉर्म को फिल करेंगे तो हमारी टीम उनको रीच आउट कर लेगी। नाउ लेट्स कम बैक टू द न्यूज। और अगर न्यूज में देखा जाए तो रिसेंटली अभी 92 एमपीज को लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस से टोटल 92 मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। अब अगर सस्पेंशन आप देखोगे आखिर हुआ क्यों है तो देखो, हम सबको पता है कि 13 दिसंबर को एक बहुत बड़ी पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी। कुछ आम लोग पार्लियामेंट के अंदर में घुस गए थे, उन्होंने गैस कैनन चला दिए थे और उस समय सेशन चल रहा था तब ये घटना हुई थी। ये बहुत बड़ी घटना थी अगर भारतीय पार्लियामेंट के हिसाब से आप देखोगे तो। अब इसी घटना पर जो अपोजिशन के मेंबर्स थे वो बहुत दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं दैट मींस अमित शाह जी, वो आए और वो इस घटना पर अपनी जानकारी दे कि आखिर ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ कैसे, इसमें गलती किसकी है और उस जिसकी भी गलती है इसमें उसको सजा दी जाए। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि जो ये मेंबर्स घुसे थे और जो इन्होंने पार्लियामेंट में घुस करके पूरी तहस नहस मचाई थी और पूरे गैस कैनन्स मारे थे, ये लोग किसी बीजेपी के एमपी के पास पर अंदर घुसे थे, तो इसलिए जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं वो यहाँ पर होम मिनिस्टर को घेरना चाह रहे थे और कह रहे थे कि वो आकर के सफाई दें पूरे हाउस में कि आखिर ऐसी सिक्योरिटी ब्रीच हो कैसे गई। क्योंकि इतने सारे एमपी जब पार्लियामेंट में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं ये उनकी सिक्योरिटी पर भी एक धब्बा है। अब इसी प्रोटेस्ट को लेकर के पूरे हाउस की प्रोसीडिंग्स रोक दी गई थी। ये लोग जमीन पर बैठ करके लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे या हाउस के बाहर बैठ कर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उस मामले में उस मिसकंडक्ट के बेसिस पे 14 एमपीज को पहले सस्पेंड कर दिया गया था 14 तारीख के अंदर में ही, और फिर बाकी जो आज सस्पेंड किया गया है, आज जो ये नंबर है ये 78 एमपीज को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया है एक दिन में। और तभी ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा नंबर है, अगर पूरे भारतीय इतिहास में आप देखोगे तो कभी इतने सारे एमपीज को एक साथ सस्पेंड नहीं किया गया था आज तक। जो आज तक का हाईएस्ट नंबर था वो 1989 में हुआ था कि 63 मेंबर्स को, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को एक साथ सस्पेंड किया गया था। राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी और तब 63 एमपीज को इसमें सस्पेंड किया गया था। लेकिन जो ये सस्पेंड किया गया था इसमें कहा जाता था कि जो ये 63 मेंबर्स थे इन्होंने माफी मांगी थी लिखित में और फिर इनकी जो सस्पेंशन था उनको वापस ले लिया गया था और फिर ये रीइंस्टेट हो गए थे और ये हाउस में बैठ रहे थे। लेकिन ये जो 78 मेंबर्स का सस्पेंशन हुआ है और 14 मेंबर्स का पहले सस्पेंशन हुआ है, अगर आप इनको जोड़कर देखोगे तो टोटल 92 मेंबर्स का सस्पेंशन पिछले 10 दिनों के अंदर में कर दिया गया है और ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा नंबर है आज तक की डेट में। अब अगर हम बात करें कि ये सस्पेंशन आखिर हो क्यों रहा है तो देखो, 92 मेंबर्स को जब सस्पेंड किया गया तो ऑब्वियसली जो कांग्रेस पार्टी है वो अभी अपोजिशन में है और उस कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि क्योंकि बीजेपी लोकसभा में पावर में है और मेजॉरिटी में है इसलिए बीजेपी जो है वो कांग्रेस के मेंबर्स या अपोजिशन के मेंबर्स की आवाज को दबा देना चाहती है और जो इतनी बड़ी सिक्योरिटी पार्लियामेंट में ब्रीच हुई है उसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहती है। अब अगर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स की मैं बात करूं कि देखो, लोकसभा में आप देखोगे राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर्स हैं और उन 245 मेंबर्स में से 110 जो है वो गवर्नमेंट के हैं और 128 मेंबर्स जो है वो अपोजिशन में है। अब अगर लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा में टोटल 543 मेंबर्स हैं जिनमें से 343 जो है वो गवर्नमेंट के हैं और 200 मेंबर्स वो अपोजिशन के हैं। बाकी जो सीट्स हैं जैसे यहाँ पर 20 सीट और यहाँ पर 7 सीट ये वेकेंट सीट्स हैं। अब इन 128 जो अपोजिशन के मेंबर्स थे इनमें से टोटल
46 को सस्पेंड कर दिया गया है जो राज्यसभा में से, और इन 200 मेंबर्स जो कि लोकसभा में थे ऑपोजिशन के, इनमें से 46 मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया है लोकसभा में से। अब जो 46 मेंबर्स को सस्पेंड किया गया है लोकसभा में से, इनमें से जो 43 मेंबर्स थे इनको रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए सबमिट किया गया है। जब मैं रिमाइंडर ऑफ द सेशन कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि देखो, जैसे अभी विंटर सेशन चल रहा था, तो ये विंटर सेशन स्टार्ट हुआ था 4 दिसंबर को और ये टोटल चलने वाला था 22 दिसंबर तक के। तो अभी आज की डेट है 19th, तो जब रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए इनको सस्पेंड किया गया है, दैट मींस 19, 20, 21 और 22 ये हाउस की प्रोसीडिंग अभी बाकी हैं, दैट मींस 4 दिन की प्रोसीडिंग्स बची हैं। तो इन मेंबर्स को जो रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए सस्पेंड किया गया है, दैट मींस कि इनको 4 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। बाकी जो 3 मेंबर्स थे इनमें से, इनके मिसकंडक्ट बहुत ग्रॉस थे ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि देखो लोकसभा में स्पीकर की जो पोजीशन होती है बहुत सेक्रेट है। भारतीय लोकतंत्र में जो स्पीकर की पोजीशन होती है, चाहे आप लोकसभा में देखो चाहे आप राज्यसभा में देखो, तो वो बड़ी सेक्रेट पोजीशन मानी जाती है। तो ये जो 3 मेंबर्स हैं, कहा ये जाता है कि इन्होंने स्पीकर की पोडियम पर चढ़ करके स्लोगन ईयरिंग एंड ऑल की थी, तो इनके जो कंडक्ट है उस पर एक प्रिविलेजियस कमेटी को सौंप दिया गया है ये मामला, और कहा गया है कि आप इस पर इंक्वायरी करिए इन 3 मेंबर्स पे। तो जब प्रिविलेजियस कमेटी इस पर इंक्वायरी करेगी और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, तो उस बेसिस पर इन 3 मेंबर्स पर एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, या फिर इन पर जो भी एक्शन लिया जाएगा वो उस कमेटी के रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा। अब देखो, कमेटी की बात करें, जैसे मैंने नाम लिया प्रिविलेजियस कमेटी का, तो जब हम कमेटी की बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, तो देखो पार्लियामेंट के अंडर में टोटल 6 कमिटीज परमानेंट होती हैं। और अगर उन 6 कमिटीज की आप बात करो, तो देखो पहली कमेटी होती है, इसमें फाइनेंशियल कमेटी आती है, दूसरी इसमें आती है स्टैंडिंग कमेटी आती है, तीसरी इंक्वायरी कमेटी आती है इसमें, चौथी स्क्रूटनी और कंट्रोल के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, पांचवी इसमें हाउसकीपिंग के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, और छठवी यहां पर डे टू डे बिजनेस संभालने के लिए कमेटीज बनाई जाती हैं। अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल कमेटीज की, तो इसके अंडर में 3 कमेटीज आती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज के अंडर में टोटल 24 कमेटियां बनाई जाती हैं, जैसे कि जैसे कमेटी ऑन एनर्जी हो गई, कमेटी ऑन डिफेंस हो गई, ये सारी जो कमेटीज हैं वो स्टैंडिंग कमेटीज के अंडर में आती हैं। इंक्वायरी के लिए टोटल 3 कमेटीज बनाई जाती हैं, स्क्रूटनी एंड कंट्रोल के लिए टोटल 4 कमेटीज बनाई जाती हैं, और हाउसकीपिंग और डे टू डे बिजनेस के लिए 6 कमेटीज बनाई जाती हैं। अब जो ये इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है जिसके अंडर में 3 कमेटीज आती हैं, तो ये 3 कमेटीज जो हैं वो एक तो होती है पेटिशंस कमेटी। अब सपोज कोई एमपी है, उसको किसी बिल पर आपत्ति है, तो वो एक पेटिशन सबमिट करता है, तो जो उस पेटिशन पर इंक्वायरी करती है वो ये पेटिशंस कमेटी करती है, जो कि इंक्वायरी कमेटी के अंडर में आती है। दूसरी जो अभी मैं नाम ले रहा था प्रिविलेजियस कमेटी, वो भी इसी इंक्वायरी कमेटी के अंडर में आती है। और तीसरी जो मैं कमेटी को बता रहा हूँ, दैट इज एथिक्स कमेटी। हम सब ने पीछे न्यूज में देखा होगा कि जो टीएमसी की एमपी थी महुआ मोइत्रा, जिनको सस्पेंड किया था, तो वो इसी एथिक्स कमेटी ने सस्पेंड किया था। अब अगर आप प्रिविलेजियस कमेटी की बात करोगे, तो जितने भी पार्लियामेंट के हाउस में कोई भी मिसकंडक्ट होता है, सपोज कोई एमपी है स्लोगन ईयरिंग कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो इंक्वायरी होती है वो यही प्रिविलेजियस कमेटी करती है। अब एथिक्स कमेटी का काम ये होता है कि देखो पार्लियामेंट के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। अब किसी एमपी को पाया जाता है कि वो इसी कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच कर रहा है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को, तो उसके खिलाफ एथिक्स कमेटी जांच करती है और फिर अपना रिपोर्ट सबमिट करती है। तो इसी में एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को सस्पेंड किया था, जो कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले न्यूज में था। तो ये पूरी हो गई पार्लियामेंट की कमिटीज। ये तो टोटल 6 परमानेंट कमिटीज की बात हमने की है। इसमें पार्लियामेंट में कुछ टेम्पररी कमिटीज भी होती हैं, जिनको हम एडहॉक कमिटीज कहते हैं। जैसे कि सपोज कोई घोटाला होता है, लाइक बोफोर्स घोटाला हुआ इंडिया में, तो उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई, बोफोर्स कमेटी। जैसे कि स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ था, उसके लिए एक कमेटी अलग से बनाई गई थी। तो ऐसे कोई बड़े घोटाले होते हैं, उनके लिए अलग से कमिटीज बनाई जाती हैं, जो कि टेम्पररी कमिटीज होती हैं, और जब वो अपना रिपोर्ट सबमिट कर देती हैं तो उसके बाद वो खत्म हो जाती हैं। तो इस तरीके से कमिटीज का पूरा काम पार्लियामेंट में चलता है। अब जब ये पूरा मामला हो चुका है, तो इसमें गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट किया गया है ऑपोजिशन द्वारा, ये इसलिए किया गया क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बिल जो है वो अभी पार्लियामेंट में पेंडिंग थे, जैसे कि भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय न्याय संहिता बिल और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल। जो ये 3 बिल थे, ये इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी को रिप्लेस करने वाले थे। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि इन्हीं बिल को, ताकि ये रुक जाएं,
और पास ना हो पाए, इसलिए अपोजिशन ने इस पर ये पूरा ड्रामा क्रिएट किया है और इसीलिए इन्होंने वॉकआउट कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया, जिसके ऊपर इनको सस्पेंड कर दिया गया है ताकि इन बिल पर कोई एक्शन ना लिया जा सके और ये बिल पास ना हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।